मंच टोक के यूट्यूब वार्ता कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और श्रोताओं, आज मैं जनसरोकार मंच के नए कार्यक्रम सैर सपाटा की शुरुआत में आप सबको बिहार के ऐतिहासिक शहर बोधगया की सैर पर ले चलना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोधगया महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक पौराणिक नगर है, और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर साधना की थी, तपस्या की थी। महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और वो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे, कपिलवस्तु के राजकुमार थे। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए युवावस्था में गृह त्याग किया था, राजमहल को छोड़ दिया था, और फिर वो घर से निकल पड़े थे और भटकते हुए ज्ञान की खोज में बोधगया वो पहुंचे थे। और यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई सालों तक घनघोर तपस्या की थी, और कहा जाता है कि बोधगया की पवित्र भूमि पर ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद फिर वो बोधगया से चलकर सारनाथ पहुंचे थे, और वहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था और ये बताया था कि यह संसार जो है यह बहुत दुखमय है, और इस दुख से मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। और उस साधना का जो मार्ग है वह मार्ग है मध्यम मार्ग। और श्रोताओं, बोधगया जब आप आएंगे तो यहाँ आकर सचमुच आपको असीम शांति मिलेगी। बोधगया में फल्गु नदी बहती है, और फल्गु नदी के किनारे ही महाबोधि मंदिर स्थित है। यह गुप्त काल का एक बहुत ही सुंदर और महान स्मारक है। कहा जाता है कि गुप्त काल से पहले भी यहाँ पर शुंग काल में कुछ वेदिकाएं वगैरह बनवाई गई थी, और उससे भी पहले ऐसा कहा जाता है कि अशोक बोधगया की यात्रा पर आया था, और बोधगया में उसने भी कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। आज बोधगया विश्व नगर का रूप ग्रहण कर चुका है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है, और बिहार सरकार ने भी बोधगया के विकास के लिए कई कार्यक्रमों को यहाँ लागू किया है। इस मंदिर के पास में एक बहुत ही सुंदर विशाल सरोवर भी है, तालाब भी है, और यहाँ प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न देशों से वे देश जहाँ बौद्ध मतावलंबी रहते हैं, भूटान, नेपाल, तिब्बत और वियतनाम, कंबोडिया, तो इन सब देशों से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। और महाबोधि मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल परिसर है। इस विशाल परिसर में इन सभी देशों के लोगों को, नर नारियों को ध्यान मग्न देखा जा सकता है। महाबोधि मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में यह प्रतिमा सबको चिंतन, ध्यान, शांति और वैराग्य का संदेश देती है। कुछ दशक पहले श्रीलंका के बौद्ध अनुयायियों ने बिहार सरकार की अनुमति से और महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के अनुरोध से इस ग्रेनाइट काल के पत्थर से बनी हुई इस प्रतिमा को, मुख्य प्रतिमा को जो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित है, इसको सोने की से भी की परत से भी कलात्मक ढंग से
सजाया गया है। अब ये स्वर्ण मंडित प्रतिमा है। पहले ये प्रतिमा, मुझे याद आ रहा है श्रोताओं कि जब मैं काफी साल पहले बोधगया में गया था सन 1986 ईस्वी के आसपास में, तो उस वक्त ये प्रतिमा काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन हाल में मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अब ये प्रतिमा स्वर्ण पत्र से मंडित है और सचमुच अब बोधगया मंदिर के गर्भगृह की सुंदरता बहुत बढ़ गई है। स्वर्ण मंडित प्रतिमा बुद्ध की आकृष्ट करती है। दूर से ही बुद्ध के ध्यान मग्न नयन और उनकी चिंतनशील भाव भंगिमा और भूमि स्पर्श मुद्रा में उनका संकल्प, ये सब बरबस ही हम सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। बोधगया पहुंचने के लिए गया, जो बिहार का बहुत ही प्रमुख नगर है, पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है बिहार का वो गया है। गया से छोटी छोटी गाड़ियां बोधगया के लिए मिलती हैं स्टेशन के बाहर से ही, और गया एक बहुत ही प्रमुख स्टेशन है हमारे देश का। मुंबई से, हावड़ा से और दक्षिण भारत के भी तमाम नगरों से और गुवाहाटी से भी ये नगर सीधी रेल सेवा से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी बनारस होते हुए गया आया जा सकता है। गया से पटना भी पास में ही है, तो बहुत आसानी से बोध गया की यात्रा की जा सकती है। बोध गया में काफी अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह सब भी हैं। अलग अलग आय वर्ग के जो लोग हैं उनके ठहरने के लिए यहाँ पर मध्यम श्रेणी के होटल्स भी हैं और धर्मशालाएं भी हैं। तो बोध गया की यात्रा आप जरूर करें। ये नगर हमें शांति और प्रेम का संदेश देता है। महात्मा बुद्ध के जो अमर संदेश हैं, विश्व बंधुत्व के संदेश, मैत्री के संदेश, इस नगर की सुषमा में इसके प्राकृतिक परिवेश में, खेत खलिहानों से घिरा हुआ ये नगर, बरबस ही ऐसा लगता है कि जैसे ये सब सारी बातें हमें हमारी आत्मा को सुना रहा हो। और शाम के समय बोधगया में एक नीरवता फैल जाती है, एक सन्नाटा। दूर दूर तक फैले हुए खेत खलिहान, बाग बगीचे, सघन आम्र कुंज, ये सब हमारे मन को असीम शांति से भर देते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बोधगया की बहुत चर्चा है। महायान ने भी बोधगया के बारे में अपने यात्रा विवरणों में लिखा है। महायान 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री था। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि जब वो बोधगया पहुंचा तो उसने वहां पर बहुत ही विशाल विशाल बौद्ध विहारों को देखा और उन बौद्ध विहारों के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारियां थीं और उनके भीतर आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनमें बौद्ध भिक्षु वास करते थे। श्रोताओं, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि फायान के जो यात्रा वृतांत में लिखी गई ये जो पुरानी बातें हैं बोधगया के बारे में, आज वो सब सच प्रमाणित हो रही हैं, क्योंकि बोधगया में बिहार सरकार ने जो पुरातात्विक खुदाइयां करवाई हैं, उन पुरातात्विक खुदाइयों में वहां प्राचीन बौद्ध विहारों के अवशेष भी अब निकल रहे हैं, मिल रहे हैं। बोधगया के विकास पर, उसके संरक्षण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और यह नगर हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत ही प्रमुख नगर है। और आप सबको इस नगर यात्रा पर हम आज लेकर आए, इसकी बहुत खुशी हमें है। और सैर सपाटा कार्यक्रम में हम फिर किसी और नगर की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार।